हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर टू माई चैनल का स्वागत है। तो आज एक मेरे पास आया है एंटॉक, तो उसका क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह हर एंटॉक में प्रॉब्लम होता है, तो क्या करने से सॉल्व होता है और क्या में प्रॉब्लम होता है, तो चलिए गाड़ी को दिखाई देते आप लोगों को, जैसे कि क्या पे साउंड होता है। जब मैं भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के साथ साथ इंजन में बहुत ख़राब से साउंड आता है। ये मतलब किस के लिए होता है और कहाँ पर प्रॉब्लम होता है, तो चलिए ये आप लोगों को दिखाएगा। ये था गाड़ी एंटॉक 125 और ये देखिए न्यू है अभी भी, जैसे कि स्टिकर भी अभी तक भी नहीं उठाया है, ये देख सकते हो। और रनिंग भी आपका हो गया, देख सकते हो लगभग। तो उसका प्रॉब्लम क्या है मैं अभी स्टार्ट करके दिखाई देगा, तो चलिए स्टार्ट करता है। ये देखिए साउंड हो रहा है, टक 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 करके कैसे साउंड हो रहा है, ये सुन सकते हो। ये सुनिए कैसे साउंड हो रहा है, तो टाइमिंग चेन का हो भी सकता है और सेल्फ बियरिंग का वह भी हो सकता है और मैग्नेट ढीला होने से भी प्रॉब्लम होता है। तो चलिए पहले खुल लेता है क्या पे प्रॉब्लम है, ये देख लेगा। तो चलिए खुलना स्टार्ट करते हैं, तब तक बने रहिए वीडियो पे। तो ये खुलने के लिए पहले सीट निकलने पड़ा, सीट निकलने के बाद में यह का जो कवर है ये खोल दिया और साइलेंसर भी खोल दिया। और अभी फिलहाल अभी बाकी है ये कवर निकलना और मैग्नेट जो है ये निकल देगा, उसका बाद जो कवर है इंजन कैचिंग वो निकल पाओगे। तो चलिए ये निकाल देते हैं पहले। तो अभी मैग्नेट निकाल दे रहा हूँ, मैग्नेट का जो नाट है ये निकाल दिया। उसके बाद मैग्नेट तो फुल आर से भी निकाल सकते हैं और ऐसे थोड़ा नाट लगा के चॉकेट बैठा के मार सकते हैं। उसके बाद जो कॉयल प्लेट निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कॉयल प्लेट है ये कवर का साथ में रहता है, ये कवर निकाल देगा तो कॉइल पिट आ जाएगा ऐसा ही। तो चलिए ये जो सारे बोल्ट हैं ये बोल्ट निकाल देते हैं पहले, ये सारे बोल्ट निकाल दिए। तो अभी ये कवर निकाल देगा, तो ये खुलने के साथ साथ क्या होता है एक चीज़, जैसे कि गास्केट होता ना, ये गास्केट फट जाता है, तो ये अभी चेंज करने लगेगा गास्केट। और जो साउंड आता ना गाइस, ये देखिए ये जो नाट है ये नाट पूरा ढीला है और ढीला का वजह से साउंड आता है, ढीला जो हो जाता है ये नाट और ढीला का वजह से होता है। तो अभी ये टाइट कर देगा, फिर भी टाइट मतलब साउंड ख़त्म हो जाएगा, और नहीं तो ये पूरा सेट जो है सेल बियरिंग का ये चेंज करके नया डाल देगा, तो भी साउंड गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए ये पहला खोल लेता है, मालिक को बोलेगा क्या करेगा, ये अगर रिपेयरिंग करना चाहता है तो रिपेयरिंग कर देगा, अगर न्यू इंस्टॉल करना है तो न्यू भी लगा देगा। तो चलिए पहले खोल लेता हूँ और स्किप मत करना वीडियो, ताकि कहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ चला जाएगा, तो देखते रहिए वीडियो पूरा। तो ये नाट निकालने के लिए पहले जो उसका लॉक है पीछे नीचे का ये वाला लॉक, ये खोल देना है, उसके बाद नाट निकाल देना है। नाट निकालने के बाद पूरा जो सेट है ये सेट निकाल पाओगे, ये देखिए ये था पूरा सेल्फ का जो सेट होता ना, ये था सेल्फ बियरिंग और ये था सेल्फ बियरिंग। तो देखते हैं ये क्या करेगा, नया डालेगा तो नया डाल देगा, नहीं तो ये रिपेयरिंग करके लगा देगा। रिपेयरिंग करने से भी क्या होता है गाइस, जैसे कि थोड़ा दिन बाद में फिर से प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो नाट जो है ना, नाट ढीला होने के बाद में ये जो बियरिंग है बियरिंग ख़राब हो जाता है। तो ये रिपेयरिंग करेगा भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दिन बाद
फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बार बार खुलने के बाद तो कुछ दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, बोल के पूरा नया डल लगा देने से अच्छा है सच के। मैं तो नया लगा देता हूँ, रिपेयरिंग भी कर सकता है, ये खाली बियरिंग भी कर सकता है, जैसे कि ये बियरिंग खाली बियरिंग भी चेंज कर सकता है। तो देखते हैं क्या करेगा। तो मालिक बता रहे ये जो है पूरा सेट न्यू लगा देगा, तो चलिए नया जो है न्यू वाला वो देखा था कैसा आएगा। ये था पूरा न्यू, उसका जो असेंबली है सेल्फ का जो, तो ये पहला खोल लेता हूँ, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएगा कैसे पूरा न्यू वाला। मतलब ऐसे होता है पैकेटिंग, जैसे कि ओरिजिनल में ऐसे होता है पूरा पैकेटिंग। ये था पूरा टीवीएस का जेन्युइन पार्ट्स। तो ये खुलेगा, खुल के दिखाएगा क्या क्या आता है न्यू जो असेंबली होता है उसमें क्या क्या आता है, ये आप लोगों को दिखाएगा। तो चलिए ये पहले खोल लेता हूँ। ये देख सकते हो जैसे कि आपका जो ये सामान जो बियरिंग बैठने वाला जो है ये वाला, और पिनियन जो है पिनियन भी आ जाता है। तो ये चलिए ये लगा देता हूँ, लगा के कैसे देखते हैं इंजन का जो साउंड होता रहा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है ना नहीं। तो चलिए ये तो 100% ख़त्म होगा, फिर भी मतलब देख लेता हूँ टाइमिंग जिनका भी थोड़ा बहुत हो सकता है साउंड, तो ये लगाने के बाद में पता चलेगा। तो चलिए ये लगा देता हूँ। और ये लगाने के लिए गाइस एक चीज़ और करना है, जैसा कि मतलब नेक्स्ट टाइम जल्द से जल्द ये बियरिंग जो सेट है ये ख़राब नहीं होने के लिए, तो ये चीज़ लगाने का टाइम में आप लोगों को दिखाएगा कैसे होता है। तो चलिए ये लगा देता हूँ। जब मैं पूरा खुल ले आ रहेगा तो उसी टाइम में मतलब जो गास्केट फटा हुआ है ये पूरा निकाल देना है ताकि आसान से निकाल सके। तो चलिए ये गास्केट निकाल देता हूँ पहले, उसके बाद बियरिंग लगाने का टाइम में जो आप लोगों को बताया था बताने के लिए वो बताएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जल्द से जल्द ख़राब नहीं होने के लिए। तो ये फाइनली गास्केट पूरा उठा दिया, उठाने के बाद में तो उसके बाद गास्केट जो है गास्केट बैठा देना है। गास्केट बैठाने के लिए एग्जैक्ट जगह में बैठने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा दूंगा। ग्रीस लगाने से क्या होता है मतलब पूरा एग्जैक्ट जगह में रहता है। तो मैंने लगा दिया गास्केट, थोड़ा थोड़ा सा ग्रीस देके उसके बाद ये जो पिनियन है पिनियन डाल देता हूँ। पूरा जगह में घुस गया। उसका बाद जो लॉक होता है वॉशर ये डाल देना है। और ये जो बोला था आप उनको जो एक चीज दिखाएगा, जैसे कि अभी ये जो बोल्ट है नट, ये नट टाइट करने के लिए आपको रिंग रेंज चाहिए, जैसे कि ऐसा देखिए रिंग रेंज चाहिए। तो रिंग से टाइट देगा तो अभी घूम जाएगा, ये अच्छा से टाइट नहीं होगा, उसका वजह से क्या होता है फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये टाइट देने के लिए पहले आपको ये जो किक कवर है ना, इसी साइड किक कवर है, किक का कवर ये निकाल देना है। निकालने के बाद इस तरफ देखिए, इस तरफ से पकड़ के उसका बाद नट टाइट देगा तो सही रहेगा, तब में ये जो नट है ये अच्छा से टाइट होगा। तो चलिए अभी इस तरफ पकड़ लिया तो उसी साइड अभी रेंच से टाइट देगा अच्छा से, ताकि ढीला नहीं होना है, अगर ढीला हो जाएगा तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा दिन बाद। तो ये टाइट अगर अच्छा से देना है, फुल टाइट दे देना है। तो चलिए ये टाइट दे देता है पहले, तो अभी ये फुल टाइट दे दिया। उसके बाद ये जो लॉक होता है लॉक दो तरफ में दो लॉक लगा देना है, ताकि जो नट नहीं घूमने के लिए लॉक हो जाए।
ये देख सकते हो इस तरफ एक लॉक लगा दिया, दूसरी साइड ये है लॉक लगा दिया। तो यही था, ये अच्छा से टाइट देखिए, ये लॉक लगाना है। और अभी जो कवर है ये कवर लगा देगा। ये कवर बैठ गया जगह में, ये देखिए पूरा साइड जो है बैठ गया। उसके बाद ये सारे बोल्ट जो खुला था इसी तरह फिर से ये सब बोल्ट लगा देगा अच्छा से। अगर एक भी ढीला रहेगा तो ऑयल निकल जाएगा, तो सारे बोल्ट अच्छा से टाइट दे देना है। तो चलिए ये लगा देते हैं बोल्ट। बस ये लगा दिया, लगाने के बाद में अभी हो गया मैग्नेट लगाएगा। तो मैग्नेट लगाने के लिए ये जो लॉक है ये लॉक डाल देना है। और अभी लगा दिया। और ये जो मैग्नेट लगाने के लिए ये देखिए एक गाट है, ये गाट पे आपको लॉक जो है लॉक सेम इसी की तरह गाट पे लगाना है। तो ये लगा देता है, तो ये लगा दिया। और अभी ये इसका जो बोल्ट है बोल्ट नट जो है लगा देगा सेम इसी तरह किक का कवर में, जो सेम इसी तरह फुलर लगा के ये टाइट देना है ताकि ये भी ढीला नहीं होना है। तो ये फाइनली लगा दिया। ये कवर लगाने के लिए वहाँ पे एक नट है, वहाँ पे एक नट है, वहाँ पे एक नट है। ये लगाने के बाद में ये जो फैन है फैन लगा देना है। तो चलिए ये लगा देता हूँ। ये जो फैन का तीनों स्क्रू ये टाइट देने के बाद में इसका जो कवर होता है ये लगा देना है। तो अभी सारे जितना कवर है सब कुछ लगा दिया। अभी रह गया साइलेंसर, तो साइलेंसर लगाने के बाद में गाड़ी स्टार्ट करेगा। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में देखता है साउंड कैसे हुआ। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो। तो फाइनली अभी साइलेंसर लगाने जा रहा है, तो चलिए लगा देता है। तो अभी साइलेंसर सब कंप्लीट हो गया। अभी जो हुआ का कवर है सीट वगैरह सब कुछ लगा देगा। लगाने के बाद में गाड़ी स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाएगा कैसे हुआ। पहले मैं सब कुछ लगा देता, लगाने के बाद में आप लोगों को दिखाई देगा साउंड गया कि नहीं गया। तो अभी फाइनली हो चुका है। अभी जो सीट का लॉक जितना है वायरिंग लगा देगा। लगाने के बाद में सीट का जो बोल्ट है 4-10 नंबर बोल्ट है ये लगा देगा। लगाने के बाद में अभी बाकी है खाली इंजन ऑयल, इंजन ऑयल डालने के बाद स्टार्ट कर देगा। तो देखिए वीडियो लास्ट तक। तो डाल दे रहा है मोबिल। तो अभी फाइनली मोबिल विल सब कुछ डालना खत्म हो गया। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेगा। तो अभी सुन सकते हो कुछ साउंड कुछ नहीं है, इंजन का साउंड पूरा स्मूथ हो गया। इसी तरह वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके रखना ताकि इसी तरह वीडियो आते रहेगा। तब तक के लिए भाई मिलते नेक्स्ट वीडियो पे।